Good morning, student. I am Mr. Dhruv Kumar Barma, your science teacher. Today, we will discuss a new topic in this video. This topic is double displacement reaction. Double displacement reaction को जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने थ्री टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड. सच एज इन दिस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Double displacement reactions are differ from displacement reaction. In double displacement reaction, ion are exchanged during formation of new product. Hence, double displacement reaction are those chemical reaction in which two compound react with each other by exchanging of ions to form two new product. That is, double displacement reaction वह reaction है जिसमें दो compound that is reactants जो एक दूसरे में ion के form में exchange होते हैं और two new compound की formation करते हैं. Which are totally differ from reactant compounds. It's okay. तो double displacement reaction क्या है? मैं आपको again repeat कर देता हूँ. Are those chemical reaction in which two compound react with each other by exchanging of ions to form two new compound. ठीक है? Now हम category की बात कर लेते हैं कि जो double displacement reaction है, उसे हम दो category में divide किए हैं. फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर दोज टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. ये एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है और सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है. यहां पर एसिड ब्रेक करेगा आयन के फॉर्म में, बेस विल बी आल्सो ब्रेक इनटू आयन फॉर्म एंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दैट इज एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इन दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर है? तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ, एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर. नाउ एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है. यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लिया एक एसिडिक कंपाउंड है HCl एक्वस फॉर्म में दैट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है. हियर HCl बी ब्रेक डाउन इन टू एच प्लस प्लस Cl माइनस सच एज NaCOH ब्रेक डाउन टू Na प्लस प्लस OH माइनस. तो H प्लस बाइंड विथ OH माइनस, Na प्लस बाइंड विथ Cl माइनस to form here Na react with Cl to give NaCl
एनएसएल है क्या? कॉमन सॉल्ट, इट्स नेम केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड. एंड एच प्लस एंड ओ एच माइनस अगेन बाइंड टू फॉर्म एच टू ओ. तो इट्स एंड प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड वाटर. दिस विल डिटरमाइन टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सच एज इन दिस केस H2SO4 इट्स ब्रेक डाउन इन टू टू एच प्लस प्लस एसओ फोर टू माइनस. सच एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन इन टू टू के प्लस प्लस टू ओ एच माइनस. ओके, तो हियर पोटेशियम जो प्लस चार्ज को कैरी किए हुए हैं वो नेगेटिव चार्ज सल्फेट आयन के साथ बाइंड करेगा एंड इट्स फॉर्म K2SO4. पोटेशियम सल्फेट जो एक सॉल्ट है, क्या है? सॉल्ट प्लस H2O. तो हियर H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड. पोटेशियम हाइड्रोक्लोरिक इज अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव K2SO4 इज अ सॉल्ट एंड H2O दैट इज वाटर. सो इट दिस रिएक्शन विल बी आल्सो डिटरमाइंड टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टॉपिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म आफ्टर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आफ्टर आयन के एक्सचेंजिंग के फलस्वरूप यहां पर आपने दो कंपाउंड आप देख रहे हो. दो कंपाउंड में जो आयन एक्सचेंजिंग होगा, आफ्टर आयन एक्सचेंजिंग वन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. क्लियर है? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें डबल डिस्प्लेस रिएक्शन के फलस्वरूप जो है एक सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगा जो सेटल डाउन हो जाएगा कंटेनर में. एज एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड BaCl2 इज अ वन टाइप ऑफ सॉल्ट दैट रिएक्ट विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. दिस विल आल्सो ब्रेक डाउन इन टू आयन फॉर्म एंड दिस विल आल्सो ब्रेक डाउन इन टू आयन फॉर्म. आफ्टर ब्रेकिंग देम आयन्स आर एक्सचेंज टू ईच ऑफ देम एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेरियम सल्फेट इज ए वाइट प्रेसिपिटेट दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिल्वर नाइट्रेट. यू विल टेक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 is a salt in aqueous form that react with sodium chloride common salt and it form silver chloride plus NaNO3 aqueous form होगा, soluble form होगा और AgCl का एक solid precipitate नीचे settle down हो जाएगा bottom में. here precipitate silver chloride and in this case precipitate barium sulfate are formed. Hence this reaction is determined to the precipitation reaction. Okay, in this okay was is lesson mein itna hi. Next topic ke sath hum next video mein haazir honge. Okay, bye bye.